हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। जैसे कि अभी आप लोग जानते हो, आजकल जो बॉलीवुड से मूवी आ रही हैं वो कुछ खास इम्प्रेशन अपना जमा नहीं पा रही हैं। और एक ही मूवी है जो कि अभी तक आप बोल सकते हो एक तरीके से ठीक ठाक चल रही है। जैसे कि क्रिकेट में सहवाग नहीं, कभी कभी राहुल द्रविड़ भी काम आता है। वही वाला अगर लॉजिक हम सेट करना चाहें तो वो वीर सावरकर मूवी के ऊपर एकदम फिट होता है। अभी हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो कि साउथ से आने वाली है, जिसकी ऑलरेडी हाइप इतनी ज़्यादा है, जो कि पहले पार्ट को मेकर्स ने सीरियसली लिया नहीं था तो इस पार्ट को उन्होंने सीरियसली ले लिया है। इसका बजट लगभग लगभग 500 करोड़ के आसपास का है। अल्लू अर्जुन सर की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 के बारे में अगर हम बात करें, 500 करोड़ के आसपास का बजट भाई साहब लेके ये मूवी बनाई गई है। अगर हम इसके कलेक्शंस की बात करें तो ऑलरेडी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें जो कि अपना और अदर राइट्स हैं, वो 200 करोड़ के आसपास जो है ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं। ऑलरेडी वो भाई साहब उन्होंने कमा लिया 200 करोड़ रुपए रिलीज से पहले ही। उसके बाद में उन्होंने पहले ही इसको जो है स्ट्रीम करने के राइट्स जो है वो दे दिए हैं नेटफ्लिक्स को। और अगर OTT राइट्स की बात करें तो लगभग 250 से 300 करोड़ के आसपास का जो एक पैसा है वो नेटफ्लिक्स से इन लोगों ने बना लिया है। तो आप ये बोल सकते हो जितना मूवी के ऊपर ठोका गया था, तो ये मूवी की रिलीज डेट रिलीज मूवी को करने से पहले ही इन लोगों ने वो पैसा जो है रिकवर कर लिया है। लेकिन अगर हम और बात करें, जैसे कि मूवी रिलीज होगी और आफ्टर रिलीज मूवी के अगर रिलीज के बाद की हम बात करें, तो जितना भी टोटल अमाउंट आने वाला है, जितना भी इनकम आएगा या फिर जितना भी मूवी कलेक्शन करती है, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो मेकर्स के लिए मलाई है। वो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा भी नहीं, 500 से 700 करोड़ तो आराम से वो ऐसे ही कर लेगी, क्योंकि मूवी की हाइप बहुत अच्छी है और टीजर से भी काफ़ी अच्छा मतलब अभी तक लग रहा है। लेकिन अगर ट्रेलर आएगा तब और ज़्यादा बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन जहाँ बॉलीवुड की मूवी अपना बजट तक नहीं निकाल पाती है रिलीज होने के बाद भी, लेकिन उससे पहले साउथ की मूवियाँ जो कोई पैन इंडिया लेवल पे उनको रिलीज किया जाता है और पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होने से पहले ही वो अपना जो बजट है उसको निकाल लेती हैं, ऐसी कई सारी मूवियाँ आई हैं और आने वाले टाइम में कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो सुनने को ऐसे मिलती रहती हैं। अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।